देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम, आप देख रहे हैं भारत एट नाइन एंड द शो इज ऑन। मैं आपके साथ काविंद्र चौहान। सियासत में कुछ भी आखिरी नहीं होता, मतलब कल के दोस्त आज के दुश्मन, कल के दुश्मन आज के दोस्त हो सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में तो सड़क से लेकर सोच तक सिर्फ राजनीति ही बसर करती है। यहां बच्चा भी अपनी जाति के हिसाब से अपना नेता चुन लेता है, अपनी जाति के हिसाब से सपा बसपा भाजपा कर लेता है, और यही तीनों कभी दोस्त तो कभी दुश्मन बन जाते हैं। बाकी लोगों से नाम पूछो तो पहले जाति बता देते हैं। ये इकलौता ऐसा देश है जहां पर, एक ऐसा प्रदेश है जहां जनरल वाले ठाकुर अपने आप को रॉयल कहते हैं, तो वहीं एससी में आने वाले चमार अपने आप को द ग्रेट चमार कहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को बेकार कहते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश ही नहीं विश्व में भी एक अजूबा है। इस जैसा चुनाव ना कोई दूजा है। चुनाव से पहले विकास की बात होती है, चुनाव वाले दिन विकास सो जाता है और विकास का बड़ा भाई कास्ट जाकर वोट दे आता है। बाकी एक जाति का किसी सरकार में बोलबाला रहता है तो एक सरकार में किसी का और, सरकार बदल जाती है और जातियों की मठाधीशी भी बदल जाती है। मतलब चौकी थानों में भी सरकार बदलने के साथ ही जातियों को लेकर सिपाही से लेकर कोतवाल साहब का भी दिल परिवर्तित हो जाता है। मसलन किसी से छिपा नहीं है कि सपा सरकार में यादव, बसपा में दलित और भाजपा में हिंदुत्व का झंडा लिए सवर्ण थाने के अंदर खुद को थानेदार से कम नहीं समझता। फैजाबाद से लेकर फरुखाबाद, मुरादाबाद से लेकर मथुरा, प्रतापगढ़ से लेकर प्रतापगढ़ और सहारनपुर से लेकर शामली, मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर, राजनीति की गाड़ी जाति के पहियों पर ही चलती है। हर जगह की सियासत विकास, बिजली, पानी, सड़क करती है, लेकिन अपनी जाति पर बहुत मरती है। उत्तर प्रदेश के छोटे जिले का छोटू भी पूरा दिन मुद्दे गिनवा लेगा, सरकार के पक्ष और विपक्ष में निबंध भी लिख लेगा, लेकिन चुनाव के दिन आंखें बंद करके अपनी जाति के नेता को वोट दे देगा। तो ये थी स्टोरी। इस स्टोरी से बस आपको ये समझाने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश अगले साल चुनाव है और अभी से माहौल बनना शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में आप किसी पान की दुकान पे 5 मिनट खड़े हो जाएंगे तो वो आपको लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें सुना देगा, खूब अच्छी अच्छी बातें सुना देगा। बातों में कहेगा सड़क नहीं, बातों में कहेगा पानी नहीं, बातों में कहेगा बिजली नहीं, बातों में कहेगा घर नहीं, बातों में कहेगा रास्ते बड़े खराब हैं, बातों में कहेगा सरकार बड़ी खराब है, बातों में कहेगा पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी ठीक नहीं, बातों में कहेगा शासन ठीक नहीं, बातों में कहेगा भैया प्रदेश ठीक नहीं, लेकिन बातें करता रहेगा और घर जाकर सो जाएगा। जिस दिन चुनाव होगा सोकर उठेगा, अपनी जाति देखेगा और फिर अपना नेता देखेगा, नेता के साथ जाति मैच कराएगा, जब जाति मैच हो जाएगी तो वोट कर देगा। यह है उत्तर प्रदेश का चुनाव। ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव किस लिहाज से होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कौन कैसा है? उत्तर प्रदेश में करीब 17% मुसलमान है, 17% मुसलमान। इसके बाद करीब उत्तर प्रदेश में 40% ओबीसी है, 40% ओबीसी उत्तर प्रदेश में। इसके साथ ही करीब 9% यादवों की आबादी है उत्तर प्रदेश में, यादव लोग रहते हैं 9%। इसके साथ ही ओबीसी में जातियों की हिस्सेदारी समझते हैं, लोधी, कुर्मी, जाट, गुजर, सोनार, अरक गोसाई, कलवार, ये सब ओबीसी में जातियों की हिस्सेदारी। कुर्मी 7.46, लोधी 6%, जाट 3, गुजर 1.1%। अत्यंत पिछड़े वर्ग में जातियों की हिस्सेदारी निषाद, कश्यप, विंद, रायकवार, पाल, बघेल, ये सब लोग हैं। और इसके अत्यंत और भी हैं, कुशवाहा, मौर्य, शाक, काछी, माली, मोमिन, अंसार, इसके अलावा तेली, साहू, प्रजापति, इन सब के अपने अपने परसेंटेजेस हैं। इसके अलावा हज्जाम हैं, नाई हैं, राजभर हैं, राजभर 2.44, 4% है। इसके अलावा कांदू भी हैं, भुर्जी भी हैं, दर्जी भी हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग में जातियों की हिस्सेदारी। तो ये 21% सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी समझिए, ब्राह्मण 14%, ठाकुर 4%, अन्य 3%। ये बड़ी जानकारी। 20% दलितों की भागीदारी कितनी है? 11% जाटव हैं और 9% गैर जाटव। तो उत्तर प्रदेश में सामान्य वर्ग लगभग 21% है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? 21%। एक बार फिर समझाता हूं आपको, उत्तर प्रदेश में दलित लगभग 20% है। इसके अलावा मुसलमान 17%, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, 17% मुस्लिम्स हैं। इसके अलावा 40% ओबीसी है। तो ये सब जो है, ये आंकड़े, ये बताते हैं कि यहां पर उत्तर प्रदेश में कौन कितने फीसद पर है। और यकीन करिए, इन फीसदी को देखकर, इन परसेंटेजेस को देखकर,
राजनेता अपनी राजनीति करते हैं। राजनेता जैसे कि घर में गृहिणी जब खाना पका रही होती हैं, या फिर कोई पुरुष जब घर में खाना पका रहा होता है, तो खाना पकाने के साथ साथ जिनको इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, जिनका इस्तेमाल होता है, तो उसमें आपने सुना होगा, बताते हैं कि इतने परसेंट नमक लेंगे, इतने परसेंट दालचीनी लेंगे, इतने परसेंट काला नमक लेंगे, इतने परसेंट लाल मिर्ची पाउडर। तो वैसे ही है यहां पर, जब राजनेता अपनी दुकान लगाते हैं, जब अंदर बातें करते हैं, आपने सुना होगा बड़ी बड़ी बातें, वो चाणक्य है, वो ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि जीत जाते हैं, कुछ नहीं, वो बैठते हैं ऐसे करके बैठ जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि चुनावी बिसात कैसे बिछाई जाएगी, फिर वो बताते हैं कि ये हो गए 12% सामान्य वर्ग के लोग इनको रखते हैं, लेकिन 12% से अगर ज्यादा रख लिए तो ये जो 3% है ये नाराज हो जाएगा, तो इस 3% को नाराजगी से बचाने के लिए 12% से ज्यादा नहीं लेंगे बिल्कुल भी। क्योंकि समझाता हूं, अगर मायावती ने ज्यादा ही ध्यान दे दिया सामान्य पे या फिर ब्राह्मणों पे ज्यादा ही ध्यान दे दिया तो फिर दलित नाराज हो जाएंगे ना, तो उतना ही ध्यान देना है कि दलित भी नाराज ना हो, मतलब उतना ही नमक डालना है कि खाना ज्यादा नमक वाला ना हो जाए, तो हर चीज हल्के हल्के में लेनी है। मतलब अब बीजेपी का समझाता हूं, बीजेपी को क्या है कि मुस्लिम्स को भी साधना है, सबका साथ सबका विकास की बात है, तो मुस्लिम्स को भी साधना है, लेकिन मुस्लिम्स को उतना ही साधना है जिससे हिंदू नाराज ना हो जाए, समझे आप इस बात को, मतलब उतना ही यहां पर इंग्रेडिएंट लेना है जिससे ये वाला जो है, ये मसाला जो है, इसका जो जायका है वो खराब ना। तो ये अंदर खाने की बिहाइंड द सीन ये बात, तो जिनके लिए बारे में आप सुनते हैं ना कि फलाने फलाने बहुत बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं, फलाने फलाने अगर किसी पार्टी को सपोर्ट कर देते हैं तो वो जीत जाती है, कुछ नहीं जीत। मैंने आपको जो ग्राफ दिखाया, इसी ग्राफ को अगर मैं किसी राजनेता को जाके दे दूं और एक घंटे वो इसको पढ़ लेगा, बार बार पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा, तो वो खुद ही सीख जाएगा, वो खुद चाणक्य बन जाएगा, फ्री में एडवाइस। तो ये है सब कुछ कि 3% इनको उठाना है, 6% इनको उठाना है, 21% इनको उठाना है, ऐसे करके पूरा मिश्रण बनाना है और फिर तैयार, चलो चुनाव आया तैयार। आज ये सब बातें, सियासत की बातें क्यों हो रही है? आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक से यूपी की सियासत पर बात मैं क्यों कर रहा हूं? आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक से यूपी में जातिगत समीकरण की बात क्यों हो रही है? तो आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि अगले साल यूपी में चुनाव होने हैं और अखिलेश यादव, मायावती, योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी और कुछ अन्य नेता सियासी विसात बिछाने में लग गए। सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन जातिगत राजनीति में इस बार सबका निशाना ब्राह्मण वोटर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें ब्राह्मणों को खुशी होनी चाहिए या फिर दुख होना चाहिए, क्योंकि आज तक तो हमने सुना था कि ओबीसी, एससी, दलित, ये सब लोग निशाने में रहते थे, मुसलमान, ये सब लोग निशाने पर रहते थे पार्टियों के कि कैसे इस वोट बैंक को हथिया लिया जाए। पहली दफा ब्राह्मणों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पार्टियां उनको साधने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि बीजेपी अपने इस कोर वोटर को जाने नहीं देना चाहती। सपा परशुराम मंदिर बनवाकर खेल करना चाहती है और मायावती जी विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की बीवी का मुकदमा लड़ना चाहती है। विकास दुबे कानपुर वाले जी, विकास दुबे गैंगस्टर, विकास दुबे दुर्दांत अपराधी, विकास दुबे जिसके एनकाउंटर में यूपी पुलिस ने जिसको मार गिराया था, जिसके ऊपर चुटकुले बनने लगे, गाड़ी पलट दो, गाड़ी पलट दो, गाड़ी पलट दो, उसी विकास दुबे का एक भतीजा है अमर दुबे, उसकी वाइफ है खुशी दुबे उनका नाम है। शादी के कुछ ही टाइम बाद उनके हस्बैंड अमर दुबे बहुत बड़े तोपची थे, मठाधीश थे, जिनको यूपी पुलिस ने उनकी मठाधीशी का बाकायदा अवार्ड दिया, उनका इंतजाम किया और अभी वो अपनी मुकम्मल जगह पर फिलहाल पहुंचा दिए गए हैं। तो उनकी जो वाइफ है उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर संलिप्तता बताई गई थी कि ये जो सब कुछ था उसमें वो भी कहीं ना कहीं संलिप्त थी, तो इसके चलते यूपी पुलिस ने उन पर मुकदमे दर्ज किया और उनको भी फिलहाल भर्ती कर दिया है। भर्ती कहाँ किया है, पुलिस कहाँ भर्ती करती है, वहीं भर्ती करती है जहाँ करती है। तो फिलहाल अब मैं आपको आगे बढ़ता हूँ, पूरी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। पार्टी के दिग्गज नेता वो खुशी दुबे का मुकदमा लड़ने जा रहे हैं, बीएसपी पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो खुशी दुबे का मुकदमा लड़ेंगे। सबसे पहले तो पूरा मामला समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है, तो आप ये रिपोर्ट देखिए।
यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर सूबे में सियासी समीकरण साधने की कवायद शुरू हो चुकी है। जाति और धर्म की चुनावी बिसात पर राजनीतिक दल हर वोट बैंक पर डोरे डाल रहे हैं, लेकिन राज्य में वोटों के लिहाज से लगभग 10% हिस्सेदारी रखने वाले ब्राह्मणों पर अगर किसी पार्टी ने पूरी तरह से फोकस किया है तो वह बसपा है। बीते साल कुख्यात अपराधी विकास दुबे और उसके 6 साथियों को एनकाउंटर में मार गिराए जाने के बाद से ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुखरता के साथ भाजपा को निशाने पर लिया था। इसी के साथ मायावती ने 2007 के विधानसभा चुनाव में हिट रहे अपने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया था। हाल ही में मायावती के एक बयान में ब्राह्मणों के लिए प्रेम खूब उभर कर सामने आया है। भाजपा पर आक्रामक होते हुए मायावती ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर ब्राह्मणों के उत्पीड़न का गंभीर आरोप जड़ दिया। मायावती ने दलित वोट बैंक की तरह ही ब्राह्मण समुदाय को साधने के लिए कहा कि ब्राह्मणों के सारे हित बसपा शासन में ही सुरक्षित है। योगी सरकार में समाज के सभी वर्गों का उत्पीड़न हुआ है, लेकिन ब्राह्मण समाज अपने साथ हुए उत्पीड़न से काफी दुखी है। मायावती ने कहा कि इस बार के चुनाव में ब्राह्मण गुमराह नहीं होगा और बसपा के साथ मिलकर सर्व समाज की सरकार बनाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग इस पार्टी को यानी कि भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देकर वे आगे इनकी सरकार बनाकर इनको अपना ये जो भी पिछला चुनाव हुआ मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनको इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए अब वो पछता रहे हैं, लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे ऐसे में। लेकिन फिर भी ये लोग फिर हथकंडे इस्तेमाल करेंगे बीजेपी के लोग इनको गुमराह करने के लिए ताकि ये वोट बीजेपी के पास बना रहे ब्राह्मण समाज का फिर किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे में अब इस समाज को खासकर ब्राह्मण समाज को फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है और इसका एहसास कराने मैं इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जुड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपनी सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे और इस बार ये लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे, किसी भी हथकंडे के बहकावे में नहीं आएंगे। किसी जमाने में दलित वोट बैंक पर एक छत्र पकड़ बनाए रखने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती इस तरह के बयान दिया करती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में खुद को अलग थलग महसूस कर रहे ब्राह्मण समाज को साधने के लिए मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि दलितों की तरह ही ब्राह्मणों का हित भी बसपा के साथ रहने से पूरा हो सकता है। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा इसी महीने अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत करेंगे और सूबे के अन्य जिलों में भी इसका आयोजन किया जाएगा। भाईचारा कमेटियों के जरिए बसपा पहले ही ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगाने की फिराक में है। आसान शब्दों में कहें तो मायावती ने यूपी की सियासत में ब्राह्मणों को नया दलित मान लिया है। लेकिन मुझे अपने दलित वर्गों के ऊपर पूरा नाज है, दिल से नाज है, गर्व भी है कि ये लोग तत् से मत नहीं हुए और बीएसपी के साथ खड़े रहे। तो मैं ब्राह्मण समाज से भी ये उम्मीद करती हूँ कि इनको कितना परखोगे, कितना आजमाओगे। इनको आजमा लिया आपने 5 साल पहले कांग्रेस के जमाने में भी ब्राह्मण समाज ने इनको आजमाया, अब इन्होंने भी और भी पार्टियों की सरकारों में आजमाया, अब बीजेपी को भी आजमा लिया, कितना आजमाओगे। अब इनको तिलांजलि देनी चाहिए और बीजेपी के बहकावे में ना आकर
तो सन 2007 की तरफ बीएसपी से इनको जुड़ना चाहिए और दलितों से प्रेरणा लेकर चाहे कितना भी इनको लालच दे दे ब्राह्मण समाज को, कितना भी बहकाने की कोशिश करें, जैसे दलित लोग गुमराह नहीं होते हैं, बहकावे में नहीं आते, ऐसे इनको भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। दर्शकों, बीएसपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स से बीजेपी डर गई है। बीजेपी वैसे ही डर गई है जैसे सचिन तेंदुलकर के आगे कोई नया बॉलर बॉल डालने में डरता था। आपको बता दूं, जब से मायावती जी ने ब्राह्मणों को साधने के लिए विषाद बिछाना शुरू किया है, वैसे ही बीजेपी ने भी डर के मारे विषाद बिछानी शुरू की। मायावती जी और बीजेपी आमने सामने है, विषाद बिछा रहे हैं, लेकिन एक खिलाड़ी है जो पर्दे के पीछे से पर्दा फाड़ के झांक रहा है, और वो है हमारे अखिलेश भैया। जी हां, अखिलेश भैया कम नहीं है। अखिलेश भैया ने आइडिया चोरी किया है। मायावती जी कहती थी कि परशुराम भगवान का मंदिर बनवाएंगे, मंदिर बनवाएंगे, वो कहती रही, अखिलेश भैया सुनते रहे, और अखिलेश भैया ने आखिर में मीडिया के सामने आकर कह दिया और ब्राह्मणों से सीधे सीधे कह दिया कि हम बनवाएंगे परशुराम का मंदिर, हम बनवाएंगे। तो अभी तक जो फाइट उत्तर प्रदेश में देखी जा रही थी ब्राह्मणों को अपनी ओर लाने के लिए, वो फ्रंट में दो लोग लड़ रहे हैं, एक तरफ है मायावती जी और एक तरफ है उत्तर प्रदेश बीजेपी, और इन दोनों के पीछे जो पर्दा पड़ा है उस पर्दे को हल्का सा फाड़ के अखिलेश भैया अपना दांव चल रहे हैं। लेकिन क्या आज रात ये सवाल कि क्या इस तरह से लुभाए जाएंगे वोटर्स? क्या ब्राह्मण कोई इंसान नहीं? ब्राह्मण एक पैकेट में आने वाले, पैकेट में, बक्से में आने वाले लोग हैं कि जिनके लिए मायावती जी कहती हैं कि उनका हित हमारे साथ, उनका हित हमारी पार्टी में। दूसरी तरफ अखिलेश भैया कहते हैं कि हम परशुराम के मंदिर बनवा देंगे। आई वॉन्ट टू आस्क टुनाइट, एक ब्राह्मण छात्र स्कूल में पढ़ने जाता है, स्कूल से पढ़कर घर वापस आता है, रात को एग्जाम का फॉर्म भरता है, एक हफ्ते बाद एग्जाम देने लखनऊ जाता है। जब वो लखनऊ जाता है तो उसके साथ एक और छात्र है, वो भी एग्जाम देने आया है। दोनों एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम देने जाने के बाद दोनों के बराबर नंबर नहीं आते, क्योंकि मिश्रा जी के नंबर कम आते हैं और उससे भी कम नंबर आते हैं गौतम जी के, लेकिन गौतम जी का दाखिला हो जाता है, मिश्रा जी का दाखिला नहीं होता। मिश्रा जी घर आते हैं, फफक फफक के रोते हैं और कहते हैं क्यों, आखिर क्यों यह आरक्षण की राजनीति क्यों? और फिर कहते हैं कि इनके पीछे कौन है, इनके पीछे हैं इनके नेता जो आरक्षण के डर को दिखाकर आज भी एससी एसटी दलित समाज सबको साधे हुए हैं। वो कहते हैं कि अगर कहीं और गए तो आरक्षण छीन लेंगे, हम हैं तो आरक्षण है। अब आज यही नेता और यही मिश्रा जी आमने सामने हैं, यही कह रहे हैं कि तुम्हारा हित यहां है। अब अगर मिश्रा जी पूछने बैठ गए कि हित कैसे है, मेरे साथ ही आपका एक कोर वोटर वोट जा रहा है एग्जाम दे, हम दोनों छात्र हैं, हम दोनों युवा हैं, हम दोनों का भविष्य है, तो कैसे मायावती जी कैसे दोनों को समझाएंगी कि समान मानसिक उपलब्धि के बावजूद, समान आर्थिक रूप से प्रबल होने के बावजूद, समान ट्रेन से एग्जाम देने जाने के बावजूद, समान नाश्ता करने के बावजूद, समान पेन से एग्जाम लिखे जाने के बावजूद,
समान साइबर कैफे पे जाकर रिजल्ट देखने के बावजूद असामान्य नंबर आते हैं, लेकिन कम नंबर वाला भर्ती है, ज्यादा नंबर वाला भर्ती नहीं, ये कैसे समझें? क्योंकि मायावती जी की राजनीति में जो सबसे बड़ा रोड़ा हो सकता है वो यही है, आरक्षण ही सबसे बड़ा रोड़ा है, इसलिए आरक्षण को समझाने की कोशिश की। अब मुद्दे पर आता हूं, तो मुद्दा यह है कि बीजेपी डर गई है, मुद्दा यह है कि सपा भी डर गई, और मुद्दा यह है कि बसपा भी डर गई है, क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो बिखर गया है। बीजेपी से नाराज हो गया है ब्राह्मण, उनको ऐसा लगता है, उनके बीच में ऐसा एजेंडा फैलाया गया है, प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कि बीजेपी शासन में ब्राह्मणों के एनकाउंटर किए, बीजेपी शासन में ब्राह्मण खुश नहीं है, ऐसा एजेंडा फैलाया गया, जिसके बाद बीजेपी ने तमाम कोशिशें की, जितिन प्रसाद को तोड़कर इधर ले आए, जितिन प्रसाद को उनके पड़ोसी जिले का ब्राह्मण भी शक्ल से ना जानता, उन जितिन प्रसाद को यहां लाने के बाद बीजेपी दम भर रही है कि देखो ब्राह्मण साथ है। जितिन प्रसाद ब्राह्मणों के कोई बाजीगर है क्या? हद है राजनीति। तो जैसा कि मैंने बताया कि बीजेपी भी डरी हुई है और दूसरी पार्टी के जितिन प्रसाद को तोड़कर अपने यहां ले आई है और दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए ब्राह्मण हमारे साथ। बसपा कह रही है कि नहीं, ब्राह्मण हमारे साथ होने जा रहे हैं जैसे दलित हमारे साथ। इन दोनों का समझ आता है, लेकिन सपा पता नहीं क्यों अंदर खाने ये बात कर रही है कि हम तो परशुराम के मंदिर बनाएंगे। अगर ऐसा होता तो ठाकुर जी का भी एक मंदिर बनवा दीजिए, ठाकुर वोटर आपके साथ आ जाएगा। मस्जिद बनवा दीजिए, मुसलमान वोटर आपके साथ आ जाएगा। जैन मंदिर बनवा दीजिए, जैन आपके साथ आ जाएगा। अगर मंदिर बनवाने से सारे वोटर उन्हीं के साथ आ जाते, अखिलेश भैया जी, तो मैं भी आज इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, क्योंकि मुझे पता है कि किसका मंदिर कौन सा होता है, कौन सी जाति के मंदिर कौन से होते हैं। मैं सबके लिए मंदिर बनवा देता, दलितों के लिए अंबेडकर जी की मूर्ति लगवा देता हर चौराहे पे, सारा अंबेडकर वोट मुझे मिलता। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए आप कहीं कहीं लगवाएंगे, मैं हर गली हर नुक्कड़ हर चौराहे पे लगवा देता, सारा ब्राह्मण वोट मुझे मिल जाता। मैं ठाकुर जी की मूर्ति लगवा देता, ठाकुर भगवान की मूर्तियां लगवाता, राम जी का भगवान की मंदिर बनवाता, मैं महाराणा प्रताप की हर नुक्कड़ हर चौराहे पे मूर्ति लगवाता, भव्य स्टैचू, सारा ठाकुर वोट मुझे मिल जाता। मैं सारे बनियों को बड़े 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 लुभावने से पैम्फलेट देता, अपनी दुकान के ऊपर लगाते, लाइट चमकती रात में, उनका वोट मुझे मिल जाता। मना राजनीति ना हुई, कपिल शर्मा शो हो गया। आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि बीजेपी क्या कुछ करने के मूड में। आप ये रिपोर्ट देखिए। हाल ही में हुए नरेंद्र मोदी सरकार के बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार में उत्तर प्रदेश को खास तवज्जो दी गई थी। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस मंत्रिमंडल विस्तार में सियासी समीकरणों को साधने के लिए दलित और ओबीसी समुदाय को महत्व दिया गया, लेकिन ब्राह्मण समाज के समर्थन पाने को लेकर भाजपा का कोई खास प्रयास नहीं दिखा। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और अति पिछड़ों की हितैषी पार्टी की छवि बनाने के चक्कर में भाजपा ने ब्राह्मण वोट बैंक को दरकिनार कर दिया। हालांकि भाजपा ने एक ब्राह्मण को मंत्रिमंडल में जगह दी है, लेकिन वो भी राज्य मंत्री से ऊपर की जगह नहीं बना सके। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश से मोदी सरकार में केवल दो ब्राह्मण मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और अजय मिश्र ही नजर आते हैं। भाजपा में संगठन से लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में ब्राह्मणों का दायरा सिमटता जा रहा है। वहीं योगी सरकार में भी गिने चुने मंत्रियों को छोड़कर ब्राह्मण समुदाय का कोई खास दबदबा नजर नहीं आता है। हालांकि ब्राह्मण समुदाय का समर्थन खोने के डर से भाजपा ने कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल कराया है, लेकिन विकास दुबे एनकाउंटर को अगर आपराधिक मामला मानकर नजरअंदाज भी कर दिया जाए तो ब्राह्मण प्रदेश में हुई कई अन्य घटनाओं से कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ ब्राह्मण समाज में रोष पैदा हो गया है।
भाजपा अपने सियासी समीकरण को सुधारने की हर संभव कोशिश में लगी हुई है, लेकिन आबादी के लिहाज से भाजपा की योगी सरकार में ब्राह्मणों के हाथ कुछ खास नहीं लगा है। वैसे राजनीति में महिलाओं को साइलेंट वोटर के तौर पर जाना जाता है, लेकिन यूपी की सियासत में साइलेंट वोटर का खिताब ब्राह्मणों को दिया जाता है। यूपी के 10% ब्राह्मण वोटों को साधे बगैर सत्ता में आना किसी भी सियासी दल के लिए आसान नहीं रहा है। आसान शब्दों में कहूं तो जिस राजनीतिक दल के सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक बने हैं यूपी में सत्ता का सुख उसी को मिला है। भाजपा के सामने खुद को सबसे मजबूत विपक्षी दल मानकर चल रही सपा भी ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने की कोशिशों में लगी हुई है। दरअसल अखिलेश यादव को यादव और मुस्लिम समीकरण पर चलने वाला नेता माना जाता है, लेकिन सपा को इस बार समझ में आ चुका है कि केवल यादव और मुस्लिम वोटों के सहारे भाजपा को हराना आसान नहीं होगा। सपा में कोई प्रमुख ब्राह्मण चेहरा भी नहीं है जो प्रदेश स्तर पर धमक रखता हो। इसी वजह से अखिलेश यादव की सहमति लेकर प्रदेश भर में परशुराम की मूर्तियां लगाने की योजना पर काम किया जा रहा है। तो दर्शकों, ये रिपोर्ट थी जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई थी राजनीतिक पार्टियों के लिए जातियां कितनी मायने रखती हैं, लेकिन क्या ये आज के समय में भी जायज बात लगती है? क्योंकि राजनीतिक पंडितों को तो लगता है हाँ, और इसी को सोशल इंजीनियरिंग भी कहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वक्त बीत गया है और राजनीतिक पार्टियां इस बीतते वक्त के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रही। मतलब एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष, एक पार्टिकुलर नेता के दिखाए रास्ते पर चलेगा, हमेशा उसी के कहने पर वोट कास्ट करेगा। वो समय अब बीत गया है। और बीते कुछ चुनावों पर फौरी तौर से नजर डालें तो पता लगता है कि वोट बैंक किसी पार्टी की जागीर तो नहीं हो सकता। मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक उदाहरण देता हूं। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह के पुत्र, 2 बार बागपत से चुनाव हारे थे, 1 बार सोमपाल शास्त्री से और दूसरी बार सत्यपाल सिंह से, जो वोट बैंक RLD का माना जाता था, जो वोट बैंक चौधरी चरण सिंह का माना जाता था। तो जो वोट बैंक था वो चौधरी चरण सिंह का माना जाता था। अगर वो वास्तव में इन्हीं का होता तो ऐसा परिणाम कभी नहीं होता कि बागपत से चौधरी अजीत सिंह हार जाए। विश्वास कीजिए, पहले तो ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि चौधरी चरण सिंह का परिवार कभी भी इस सीट से हार सकता है। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात, तो जामा मस्जिद के इमाम साहब, उनके एक परिजन पिछले विधानसभा चुनावों में पश्चिम की एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। उस क्षेत्र में 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं और वहां उनकी जमानत जब्त हो गई। ये भी एक नाजीर है बड़ी समझने के लिए, चीजों को समझने के लिए। और पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 403 में से 325 सीटें बीजेपी ने जीती थी। और इतनी सीटें जीतना मतलब सीटों से लबालब भर जाना मुमकिन नहीं है अगर वोट बैंक की दीवार ना टूटी हो। बीजेपी को सपा के वोटर ने भी वोट दिया है, बसपा के वोटर ने भी वोट दिया है। वैसे मोटा माटी समझे तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने सीधे तौर पर वोट बैंक की राजनीति नहीं की थी, ये रीजनल पार्टियों का खाना है। और आजकल घर पर चलता खाना खजाना है राजनीति वाला। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद। देखिए भारत @9 काबेंद्र चौहान के साथ।